एक वन डे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर एक वन डे रिसर्च एंड सेमिनार वर्कशॉप है जो कि क्रूएल एम्ब्रॉयडरी के आर्टिजन के लिए मेनली फोकस्ड है। इस वर्कशॉप का पर्पस है कि जो ऑफिस की स्कीम्स हैं, जो हमारी ऑफिस स्कीम ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट ये जो स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है, इसकी अवेयरनेस हमारे आर्टिजन तक पहुंचे, उसको पता लगे कि उसके लिए कौन सी स्कीम्स हैं, किस स्कीम्स में वो अप्लाई कर सकता है, कौन सी स्कीम से वो बेनिफिट ले सकता है। सेकेंडली, इस वर्कशॉप में जो हमने डिग्निटरीज बुलाए थे उसमें सबसे प्रोमिनेंट हमारे जो अभी रिसेंटली GI क्राफ्ट जिसको मिला हमारी बसोली पेंटिंग, उसके नेशनल अवार्डी नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर श्री धर्मपाल जी थे, उन्होंने अपनी बसोली पेंटिंग के बारे में हमें बताया। दूसरे हमारे रिसोर्स पर्सन थे श्री राहुल गुप्ता जी, वो ब्रांच मैनेजर PNB, उन्होंने अपनी स्कीम्स मुद्रा लोन बीमा योजना जो भी आर्टिज़न के लिए अवेलेबल है उसके बारे में एक अवेयरनेस दी। सेकेंडली, हमारे दो स्टेट अवार्डीज आए हैं अनंतनाग से जो कि स्पेशलाइज हैं आपके क्रूएल और चेन स्टिच में, उन्होंने इनको एक जनरल कंसेप्ट बताया इस क्राफ्ट का, कैसे किया जाता है, क्या इसके रॉ मटेरियल है, क्या इसकी टेक्निक है। आज के प्रोग्राम का हमारा मेन मोटिव है कि आर्टिज़न को एक अवेयरनेस देना। ये एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर हमने वर्कशॉप कंडक्ट की है जिससे कि हम आर्टिज़न को उसके जो भी स्कीम्स उसको अप्लाई होती है, जो भी स्कीम को वो ले सकता है, एनकैश कर सकता है, उसके लिए हम उसको अवेयर करने के लिए हमने आज ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के बटोट में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। ये पहचान कार्ड के लिए बटोट से हमें कोई आर्टिज़न से अप्लाई किया था, तो जो 18 कार्ड आज हमने पहचान कार्ड इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये पहचान कार्ड के इन आर्टिजन को हमने बेनिफिट बताया है और पहचान कार्ड के थ्रू ही इस ऑफिस की आप स्कीम्स को एनकैश कर सकते हैं, तो इसलिए आज हमने कुछ पहचान कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी लंच के बाद के सेशन में हम जो आर्टिजन इंटरेस्टेड है उनको स्कीम ये LIC सुरक्षा बीमा योजना के लिए भी एनरोल करेंगे, और अगर कोई मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा हेल्प डेस्क अभी सेटअप होगा जिसमें वो आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यू आर्टिजन भी एनरोल उसमें करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रामबन बानी हाल से बिलोंग करती हूँ, मैं एक आर्टिजन हूँ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट यहाँ उधमपुर से जो रजिस्टर हुई है, तो देखने में और सुनने में यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप जो लगा हुआ था इसमें हमें इतना कुछ पता चला, नॉलेज मिली अबाउट कि हमें किस तरह से इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं पहचान ID कार्ड के थ्रू, और बाकी स्कीम्स जो भी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे उधमपुर वाले जो है ऑफिस से हमें कितना कुछ स्कीम्स वगैरह जो भी है बेनिफिट मिल सकता है, तो वो सब हमें आज नॉलेज मिली है एक बेटर वे में। पेंट्स के बारे में तो मैं यही कहूंगी, मेरा खुद का बैड एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज सब्सिडी के चक्रों में ये लोग बहुत नखरे करते हैं। बाद में पहले तो आपको सिंपल एक आधार कार्ड पे लोन दे देंगे, बाद में आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सब्सिडी के टाइम पे कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं होती है, और डेफिनेटली जो एक आपका सब्सिडी वो लैप्स हो जाता है। मेरा नाम अनिका मुस्ताफा है, मैं बदरवास से हूँ। जैसे कि डिपार्टमेंट हैंड टेक्सटाइल है इनके साथ रजिस्टर हुए हम, तो मैंने बदरवा में 300 लेडीज जो हैं उनको मैंने ये किया है रजिस्टर मैम के साथ किया, और भी लड़कियों के हर बार देते हैं हम इनको, इन सब बहुत से फायदे होता है, जैसे लोन की है, लोन के लिए इनका बहुत अच्छी स्कीम है वो उसने वो देते हैं हमें, और अभी इन्हें सेंटर दिया, मैं दो बार सेंटर दिया पेपर मैची के, मैं पेपर मैची सिखाती हूँ, ट्रेनर हूँ मैं वहाँ पे। बदरवा की वर्कशॉप थी यहाँ बटोत में, तो मैंने लड़कियों को लाया, बदरवा से आए हैं हम, बटोत वाले कार्ड बनाए हमने, वो आई थी सारी, और उनका ये हुआ कि इन्हें अपनी सारी स्कीम्स बताई जिसे और भी लड़कियां भी यहाँ बैठी थी और अभी आ रही हैं लेडीज के, हमने भी करना है।